Channel, this is Ananya here and you are watching Interior Mata and welcome to the first episode of D Diesel. Now, aap puchenge Ananya, what is D Diesel? Before lockdown, we were planning to shoot this entire interior makeover series with celebrities. Tabhi bahut YouTubers the, jo creators the, from different industries jo humare saath collaborate karna chahte the aur humne aisa socha tha ki kyun na iska ek series bana jaye aur aap sabhi ke liye pesh kiya jaye. तो कोविड की वजह से सब प्लान कैंसिल हो गया था, जैसे आपका भी हुआ था वैसे हमारा भी हुआ था, लेकिन वी आर बैक ऑन ट्रैक इन 2021. वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट डी डिजिटल सीरीज जहाँ पे हम लोग बहुत सारे सेलिब्रिटीज का घर मेकओवर करेंगे और हमारी पहली जो सेलिब्रिटी है वो है रोहित खंडेलवाल. ना रोहित खंडेलवाल को ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, ही वॉज मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड एंड ही इज वन ऑफ द टॉप मॉडल ऑफ इंडिया. लेट्स मीट रोहित. Rohit Khandelwal is a fabulous actor, model and television personality. Also, he is the winner of two major titles like Mr. India 2015 and Mr. World 2016. With this, he became the first Asian to be crowned with this title. He started getting roles in television series back in 2015. With almost 800,000 followers on Instagram, he is unstoppable in his social media game. He is about to be part of well-known reality show and we can't wait to see him there. So it all started when Rohit ne mujhe reach out kiya. क्योंकि उनको एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर चाहिए था, बिकॉज ही वॉज शिफ्टिंग फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई. सो इनिशियल प्लानिंग वॉज टू गो टू मुंबई, परचेस एवरीथिंग, कस्टमाइज एवरीथिंग एंड डिजाइन द इंटर होम. बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इन मुंबई इट गॉट डिफिकल्ट एंड वी डिसाइडेड दैट वी विल परचेस एवरीथिंग ऑनलाइन एंड वहाँ पर जाके वी विल डू द एंटायर सेटअप एंड नो कस्टमाइजेशन एज पर साइट वी विल डू फॉर दिस प्रोजेक्ट. मुंबई के पहले दिन के लिए हम लोगों ने जो प्लान किया था वो था हमें जाना था आइकिया. अभी हम लोग पहुँच गए हैं आइकिया एंड अंदर ही जा रहे हैं. सभी बहुत एक्साइटेड है आइकिया देखने के लिए और मैं भी एक्साइटेड हूँ. सो मैं पहुँच के आपको दिखाती हूँ. सो ये आ गया आपका एंट्रेंस. सो आइकिया में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने देखा, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया. देखिए जो फाइनल चीज है वो तो आपको वीडियो में ही देखने वाला है. सो नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए रोहित के घर. वहाँ पे जाके मेरी टीम जब सेटअप कर रही थी मैंने सोचा कि थोड़ी सी जो लास्ट मिनट शॉपिंग है उसको कंप्लीट कर लेते हैं. Guys, we are finally at Rohit's place and हमारी तरफ से जितने भी चीज़ें हमें ऑर्डर करना था वो सारी डिलीवर हो चुके हैं. वी आर फाइंडिंग द टी वी यूनिट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज वो बिल्कुल असेंबल्ड होके नहीं आया था एंड हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. एंड वन थिंग दैट वी डिडंट नो कि रोहित ने यहाँ पे
फुल साइज मिरर उन्होंने इंस्टॉल किया है दो। सो अभी जो सेटअप है इसको सोचते हुए करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम भी है, हम लोग बस एक ही दिन में ये पूरा सेटअप करना है, तो बहुत कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। सब कुछ हमारे पास जितने भी चीज़ें चाहिए था वो है, और रोहित बाहर गए हुए हैं। सो राइट नाउ मैं धीरे धीरे करके सेटअप करूँगी, आपको दिखाऊँगी। सो स्पेशली ये रेंटेड अपार्टमेंट है, सारी जो डिज़ाइन हम लोग करेंगे ये सोचते हुए करेंगे कि ये रेंटर फ्रेंडली होना चाहिए। तो पीछे जो कलर है वो ऑफ वाइट बीज कलर का है, एंड फ्लोरिंग इज ऑल्सो द सेम। तो हमारे जितने भी फर्नीचर्स एंड कुशंस एंड कारपेट्स एवरीथिंग हम लोगों ने सेम कलर के लिए है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग काइंड ऑफ मॉडर्न बोहो। सोफा मुझे बहुत स्पेसिफिक चाहिए था, आपको पता है एक लिविंग स्पेस को अच्छे तरीके से डेकोरेट करने के लिए सोफा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसके लिए हम लोगों ने रीच आउट किया फन डिपोर्ट, जो नवी मुंबई में बेस्ट एक कंपनी है। इनके बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, ये कस्टमाइज फर्नीचर बनाते हैं। मैं सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई रीच आउट टू हिम एंड सेड के दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, एंड उन्होंने मुझे ऑन टाइम विथ फिनिशिंग जो मुझे चाहिए था एग्जैक्टली सेम उन्होंने मुझे बना के दिया ऑन टाइम। नहीं नहीं ये काफ़ी हेवी बनाया है उन्होंने। सो बहुत ही सच प्यारा है, लव इट। हाँ सीटिंग जो है सो दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिवीजन हो गया है। अगर ये मिरर यहाँ पे नहीं होता तो हम लोग जो इस साइड है यहाँ पे हम लोग इसको लिविंग स्पेस को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग बिकॉज ऑफ दिस मिरर इट इज़ नॉट गोइंग। सो वी हैव टू ट्राई आउट फ्यू सेटअप। अगेन लूज फर्नीचर है, आप सेटअप चेंज कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई आउट फ्यू सेटअप टू मेक श्योर के फाइनल रिजल्ट क्या है। एंड रोहित हैज दिस लैम्प फ्रॉम आई थिंक दिस इज फ्रॉम आईकिया ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो गॉट अ लैम्प फॉर हिम। सो अगर हम लोग दो सेटअप करते हैं सो वन लैम्प विल बी देयर एंड वन लैम्प विल बी हियर बिकॉज आवर वन इज वेरी ऑसम। ओके नाउ लेट्स चेंज द कर्टन्स। कर्टन जब तक नहीं होगा, बैकड्रॉप सेट नहीं होगा तब तक वो पता नहीं चलेगा का हाउ इट इज़ लुकिंग। सो वी हैव द बेज कर्टन्स राइट, सो वी हैव दिस कर्टन्स ऑर्डर फ्रॉम अमेजन। इट इज मैचिंग एग्जैक्टली एज अ वॉल कलर्स। सो फर्स्ट प्लीट जो है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। अंदर की तरफ लिया? यस मैम अंदर। कल आपने देखा था कि हम लोगों ने आइकिया से वी गॉट दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्रियल काइंड ऑफ लाइट। सो मुझे सिर्फ एक ही कलर पूरे इंटायर बहुत ही में इंट्रोड्यूस करवाना था, एंड वो इस प्रोजेक्ट के लिए होगा ग्रीन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्टॉल दिस। आइकिया में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन इंस्टॉलेशन जो है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। सो एवरी टाइम इफ यू आर नॉट कम्फर्टेबल विद इट, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट, सो इन दैट केस आप उनसे भी इंस्टॉलेशन सर्विस हायर कर सकते हैं। फॉर अस दिस इज़ आवर रेगुलर जॉब सो वी कैन डू इट। सो लैम्प सेटअप हो गया है। एडवांटेज ये है कि हम लोग यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं, तो चाहे तो हम लोग इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, हमारे कंफर्ट के हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हैं। हाइट भी कम ज़्यादा करने की ऑप्शन यहाँ पे दी गई है। सो फिलहाल हम लोग इस सेटअप पे रख रहे हैं। व्हाट आई लव अबाउट दिस लैम्प इज़ द कलर। दिस इज़ अ रेट्रो ग्रीन कलर एंड दिस इज़ एब्सोल्यूटली इन ट्रेंड राइट नाउ। सो इसको हम लोग प्लेस करते हैं नेक्स्ट टू दिस हाई बैक चेयर बिकॉज वो बहुत अच्छा लगेगा, एंड स्पेशली बिकॉज वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ अ रीडिंग कॉर्नर, एंड अगर विद फोटोशूट करना चाहता है सो दिस विल गो परफेक्टली विद अ हाई बैक चेयर। सो पहले यहाँ पे लेट्स कीप इट हेयर फॉर नाउ, पूरा एक बार सेटअप कर लेते हैं, देखते हैं ये कहाँ पर अच्छा लगेगा।
देन वी विल चेंज इट इफ नीडेड, बिकॉज इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स जो है वो यही इस कॉर्नर पे ही दी हुई। आईके से जो मैंने मून लिया था वो मुझे रोहित के वहाँ पे प्लेस करना था। इनिशियली कुछ और प्लान था क्योंकि बिकॉज ऑफ द मिरर आई वाज स्केप्टिकल के वो जहाँ पे इनिशियल हम लोगों ने प्लान किया था वहाँ पे प्लेस करना वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ट्राई की एंड फाइनली वी डिसाइडेड विथ माई टीम के चलो इसको एक कॉर्नर में लगाते हैं। हुआ है वहाँ से हाफ लगाते हैं, ये हमारे पास तीन है वैसे सब नहीं लगा सकते, वो हाफ लगाते हैं एंड देन यहाँ पे मिरर इस कॉर्नर पे मिरर लगा दें एंड देन प्लांटर हैंग कर दें, और नहीं तो दूसरी ऑप्शन ये होगी कि ये पूरा मुनी लगाए आधा वहाँ से एंड देन मिरर यहाँ पे ऐसे लंबी तरीके से या फिर कुछ तरीके से लगाए इधर मून वहाँ प्लांटर एंड वी हैव द स्नैप ऑन के पिक्चर्स आल्सो वी हैव दोस। तो मैं बोलूँ यहाँ पिक्चर्स वहाँ प्लांटर और मिरर उनको कहीं ऑन प्लेस करें। नहीं आई यहाँ पे मून चाहिए, इट विल लुक डिफरेंट एंड इट विल मेक अ स्टेटमेंट। आशीष निकाल दे चार पकड़ तुम लोग यहाँ पे निकलो यहाँ से निकलो। ओके आई वॉन्ट दिस टू बी ऑफ सेंटर द एंटायर मून बिहाइंड द हाई बैक चेयर। ओके दैट्स व्हाई आई वॉन्ट इट टू बी हियर द एंटायर मून थिंग, पिक के बाद ही लगाते हैं ठीक है। ठीक है ये फिर लाएगा यस कोलैबोरेशन विद स्नैपवॉल। स्नैपवॉल एक ऐसी ब्रांड है जो रेंटल फ्रेंडली वॉल डेकोर्स पिक्चर्स बनाते हैं, और पहले भी इनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया था। रिमेंबर दिस वीडियो, आपने बहुत बार पूछा कि कौन सी ब्रांड थी जिनका पिक्चर हम लोगों ने जिनके फोटो फ्रेम्स हम लोगों ने यूज़ किया था, दैट ब्रांड वॉज स्नैपवॉल। इन बिटवीन उनकी जो ऑपरेशन थे वो थोड़े से पॉज थे, दे आर बैक इन ट्रैक एंड आई जस्ट लव देयर प्रोडक्ट्स। दे मेक सच अ गुड वॉल पिक्चर फ्रेम्स, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट डिटेल सब कुछ नीचे रहेगी। लेकिन हम लोगों ने रोहित के लिए भी कुछ पिक्चर स्नैपवॉल से मंगवा लिया था एंड इट वॉज टाइम टू प्लेस देम। सो हमने रोहित के इंस्टाग्राम से कुछ इमेजेस लिए हैं जो उनके शायद फेवरेट होंगे एंड मोस्ट लाइक एंड मोस्ट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एक्चुअली, एंड उनको हम लोगों ने ये वन बाई वन के फ्रेम में हम लोगों ने प्लेस किया है। एंड पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऐसे टिकर जैसे मार्क दिए हुए हैं, आपको इसको रिमूव करना है स्लोली एंड आपको वॉल में ये प्लेस करना है। सो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन इंस्टॉल दिस। पहले एक सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए और वॉल को साफ कर लीजिए, सो जितने भी डस्ट है वो निकल जाएगा। नाउ आई विल टेक द फर्स्ट फोटो फ्रेम, पीछे से ये कॉर्नर पकड़ के आपको हल्के से निकालना है, दैट्स इट। हम इसका हम लोग पहला जो है उसको प्रेस करेंगे। This was getting too complicated. We asked Amazon to send us a carpenter. लिविंग स्पेस के राइट एंड साइड में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, कंसिडरिंग कि लोहित वहाँ पे डांस प्रैक्टिस करता है, तो वहाँ पे जो फुल लेंथ मिरर्स थे वो हमने वहाँ पे रखने दिया। बट आई वांटेड सम प्लांट्स, यू नो हाउ ऑब्सेस्ड आई एम, तो इसके लिए हम लोगों ने रोहित
को एक चंपा प्लांट दिया. यू नो चंपा इज बेसिकली एन आउटडोर प्लांट, बट क्योंकि ये जो घर है इसमें काफ़ी सनलाइट आती है तो चंपा कैन सर्वाइव. वी ट्राइड दिस इन आवर होम इन आवर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो एंड इट डिड सर्वाइव अगर काफ़ी नेचुरल लाइट आती है. तो रोहित के लिए हम लोगों ने जो चंपा प्लांट लिया था वो वहाँ पे प्लेस किया एंड सब कुछ जो है वो सेटअप करने की बारी थी. आई वॉज सुपर एक्साइटेड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज फीलिंग रियली रियली नर्वस क्योंकि पता नहीं था कि रोहित को वो पसंद आने वाला है या नहीं. एंड वी डिड इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम विदाउट लाइक इवन विद इन 4 hours. इज ही गोइंग टू लाइक इट और नॉट? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. सो गाइज द एंटायर सेटअप इज डन. मैं रोहित को बुला लेती हूँ. आई होप उसको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू दैट वी हैव ट्राइड एंड इट विल डेफिनेटली गो विद हिज वाइफ. सो लेट्स इनवाइट रोहित इन. Finally. So should I? Yeah. Okay. This is your new setup. Wow. Finally. This is beautiful. Thanks. It's really good. Doesn't look like the same hall I was staying in. Thank you. This looks really nice. Thank you so much. Beautiful. Thank you so much. I love it. Wow. Nice. I like this part also. Yeah. Great. This is really good. Not generally very expressive, but I loved it. Thank you so much. I like that part also. This is really cozy setup, right? Yeah. We made sure that because I have seen that you are shooting a lot of videos here. Yeah. So this will look nice. I love the small little photos that you have. Nice. Thank you so much, Ananya. Thank you. This is really been a pleasure. Thank you, Rohit. And working with you. Same here. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. गाइज आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ नया ट्राई किया एंड रोहित लव्ड हिज होम. मुझे भी बहुत पसंद आया दिस मिनिमलिस्टिक बोगो डेकोर दैट आई ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई थिंक वी सक्सीडेड इन सम पॉइंट. डू लेट मी नो आपके थॉट्स क्या है इन द कमेंट सेक्शन. मैं रोहित की जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो नीचे ऐड कर दूंगी, जाके फॉलो कीजिए रोहित को और मुझे भी जाके हम मेरी इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर दीजिए विच इज दिस. सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई रहेगी. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. लव यू ऑल.